चैनल, मैं हूँ आकांक्षा। और आज का जो वीडियो है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। जो प्रोडक्ट है वो एक फेस जेल है। तो आपने बहुत सारे जेल्स के बारे में सुना है, इवन यूज़ भी किया होगा, एलोवेरा जेल, पपाया जेल, वाटरमेलन जेल, क्यूकम्बर जेल, पर ये जेल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए जानते हैं ऐसा कौन सा जेल है। तो ये है डर्मडॉग ब्रांड का एंटी एक्ने फेस जेल, जो कि सैलिसिलिक एसिड के साथ है। इसका की इंग्रेडिएंट है सैलिसिलिक एसिड, जो कि एक्ने पिंपल से ट्रीट करता है हमारे स्किन को। तो चलिए हम इस प्रोडक्ट के बारे में आज बात करेंगे। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट के आउटर पैकेजिंग की बात करते हैं। तो जैसे कि आउटर पैकेजिंग पे सारा इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, वैसे ही इसमें भी मेंशन है। वाइट कलर के ऐसे बॉक्स में आता है। तो इस साइड देखें, डर्मडॉग एंटी एक्ने फेस जेल विथ सैलिसिलिक एसिड, जिसका की वेट है 50 ग्राम। और इस साइड इन्होंने डर्मडॉग ब्रांड के बारे में बताया है कि इसके सारे प्रोडक्ट्स स्किन को नरिश करते हैं, हाइड्रेट करते हैं और स्किन की ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। साथ ही साथ इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री और क्रुएल्टी फ्री हैं। इस प्रोडक्ट के आपको काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाएगी, फेस वॉश की, फेशियल किट्स की, सीरम्स की। तो आप वो सारे प्रोडक्ट्स भी इसके चेक कर सकते हैं। इसके सारे प्रोडक्ट्स purple.com पे, पर्पल के ऐप से आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ इसके सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इस साइड इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन है। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है एक्वा ग्लाइकोलिक एसिड, एलोवेरा लीफ जूस और सैलिसिलिक एसिड, रोजमेरी ऑयल, टी ट्री ऑयल, जोजोबा ऑयल, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। स्किन इन्फेक्शन को दूर करते हैं, साथ ही साथ एक्ने पिंपल को भी दूर करते हैं। इसकी MRP 199 रुपीज़ है और मैंने ये प्रोडक्ट 100 अराउंड में परचेज़ किया, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, सेल चल रही है पर्पल पे। आपको ये प्रोडक्ट पर्पल पे ही मिलेंगे। और इसका जो सेल्फ़ लाइफ है, आप इसको 2 साल तक यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी सेल्फ लाइफ भी है। इस साइड इन्होंने कुछ क्लेम किए हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक्ने पिंपल से ट्रीट करता है। एक्ने पिंपल जो भी बैक्टीरिया से होते हैं उनसे फाइट करता है, साथ ही साथ स्किन को ऑयल फ्री बनाता है। और अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो तो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा, साथ ही साथ एक्ने पिंपल से होने वाले स्पॉट्स को भी ये ठीक करता है। ये सारा क्लेम ये प्रोडक्ट करता है। इसके बेनिफिट्स हैं, फाइट्स एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया, एक्सफोलिएट स्किन, रिड्यूस सीबम प्रोडक्शन, हेल्प्स अनक्लॉग पोर्स। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसका एक स्मॉल अमाउंट लेके आपको फेस पे लगाना है, अच्छे से मसाज करना है जब तक कि ये एब्जॉर्ब ना हो जाए। इसको आप अच्छे रिजल्ट्स के लिए 2 टाइम लगाइए, मतलब दिन में भी लगाइए और रात में भी लगाइए, क्योंकि इस जेल में है सैलिसिलिक एसिड, इसलिए कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपकी स्किन पे एक्जिमा है, कुछ इरीटेशंस हैं, इन्फेक्शन है या स्क्रैचेस वगैरह हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। आई के आसपास आपको अप्लाई नहीं करना है, बच्चों के बहुत से दूर रखें, इसको रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करके रखना है। आप इसको लगाते हैं, कुछ आपको सेंसेशन होते हैं, बर्निंग होती है या कुछ होता है, इरिटेट करता है ये प्रोडक्ट, तो बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को नहीं लगाइए। तुरंत फेस वॉश कीजिए और इस प्रोडक्ट को लगाना बंद कर दें। बाहर तो इस प्रोडक्ट को देख लिया है, चलिए अंदर से इसको ओपन करके देखते हैं कि ये कैसा है। तो अंदर से अगर हम ओपन करें तो ये बिल्कुल गुड वाइब्स के जैसे जेल आते हैं, जेल्स आते हैं, वैसे ही सेम इसकी पैकेजिंग है। प्लास्टिक का एक कंटेनर है, तो सेम वैसे ही पैकेजिंग है इसकी। और इसको ओपन करके देखें तो इसका जो टेक्सचर है वो रनी भी नहीं है और काफ़ी थिक भी नहीं है, मतलब अच्छी कंसिस्टेंसी है। आप अच्छे से अपने फेस पे इसको मसाज कर सकते हैं। और इसका कोई भी कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट जेल है,
और इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। टी ट्री ऑयल होने के कारण, रोजमेरी ऑयल होने के कारण इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है। जब आप इस जेल को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, लाइट वेटेड है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। आप दिन में भी इसको लगाओगे तो बिल्कुल भी चिपचिप नहीं लगेगी और बिल्कुल पानी की तरह है, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपने फेस पे कुछ लगाया है। तो चलिए अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक्ने प्रोन स्किन होने के कारण मेरे लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। एक्ने प्रोन स्किन पे एक दो पिंपल आते जाते ही रहते हैं, तो उनका एक दो पिंपल का रहना तो आम बात है। मैं इसको 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ, एकदम से लगा के कुछ नहीं होगा, पर हाँ 2 दिन में आपको जो पिंपल का साइज़ है वो रिड्यूस होगा, थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आएगा सिर्फ पिंपल की साइज़ पे। इसके अलावा ना तो आपके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जाएंगे, ना ही दाग धब्बे कम होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, पर पिंपल की साइज़ कम होना शुरू हो जाएगी। 5 ही दिन में ये प्रोडक्ट असर करता है, ये सच में काम करता है, क्योंकि इसमें इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये काफ़ी अच्छा है। इसमें मेंशन है कि आपको 2 टाइम इसको यूज़ करना है। मैं सिर्फ नाइट में यूज़ करती हूँ, क्योंकि नाइट में कोई भी चीज़ अच्छे से स्किन को रिपेयर करती है। आप दिन में यूज़ करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, पर दिन में यूज़ कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है। विदाउट सनस्क्रीन इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिए। डर्मटॉक के ये जो जेल्स हैं ये 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ आते हैं, एक तो ये सैलिसिलिक एसिड, एक दूसरा आता है जो हाइलोरोनिक एसिड के साथ आता है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, एक्ने पिंपल से ट्रीट करता है, दाग धब्बों को दूर करता है। जो हाइलोरोनिक एसिड वाला जेल है वो स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, डल स्किन है तो उसको दूर करता है, रिंकल की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। और बाकी जो इसका वेट है, प्राइस है, सारा दोनों जेल्स का सेम है, तो आप अपने स्किन इश्यूज़, अपने कंसर्न के अकॉर्डिंग ये जेल्स को चूज़ कर सकते हैं। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे क्रीम सीरम आती हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड या हाइलोरोनिक एसिड होता है, उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। इवन आप पीलिंग करवाएंगे, आपने पीलिंग सुनी होगी सैलिसिलिक एसिड या हाइलोरोनिक एसिड की, वो भी काफ़ी कॉस्टली होती हैं। उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और काम वैसा ही करता है। तो अगर आप एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो इस प्रोडक्ट को आप बिल्कुल एक बार ट्राई करके देखिए, क्या पता आपके लिए काम कर जाए। ये मेरे स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मेरी स्किन को सूट भी करता है। और अगर आप इसके रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो इसका एक सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश भी आता है, आप वो यूज़ करके देखिए, उससे आपको और जल्दी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। नहीं तो आप कोई भी अपना माइल्ड सा फेस वॉश यूज़ कीजिए इसको लगाने से पहले। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जेल सारे स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं। ये जेल और साथ ही साथ जो हाइलोरोनिक एसिड वाला जेल है उसको भी सारे स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। जब आप इस वाले जेल को लगाएंगे तो थोड़ा सा कूलिंग सेंसेशन होता है, बड़ा ही सूदिंग जेल है। 5-6 दिन बाद हो सकता है थोड़ा सा स्किन एक्सफोलिएट करने लगे तो वो नॉर्मल है। मेरे स्किन पर जब मैंने इसको लगाया तो 1-2 दिन में ही मुझे थोड़ा सा फ़र्क दिखना शुरू हुआ, मतलब साइज़ रिड्यूस हुआ, पर ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी हो। तो आप कम से कम इसको 10 से 15 दिन यूज़ करके देखिए, तब आपको प्रॉपर रिजल्ट इसके पता चलेंगे। कुछ लोगों की स्किन पे प्रोडक्ट्स जल्दी काम करते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा टाइम दीजिए अगर तुरंत रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो। पर इसके इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि ये प्रोडक्ट काम तो करेगा ही अगर आपको एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें सारी वही चीज़ें हैं जो एक्ने पिंपल से ट्रीट करती हैं। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से परेशान हो तो इस प्रोडक्ट को एक बार ट्राई ज़रूर करो, बड़ा ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।